आप थोड़ा पीछे जाकर देखिए, मान लीजिए 5 पीढ़ी पहले मेरे परदादा परदादा बहुत ही महान इंसान थे। वो बहुत अक्लमंद, शारीरिक तौर पर मजबूत और बहुत काबिल थे। मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूँ। हम कुछ खास तरह का योग कर सकते हैं जिससे उस याद का ज्यादातर हिस्सा आपके तंत्र में जगाया जा सके। वास्तव में हमारे माता पिता हैं सूर्य और चंद्रमा और ग्रह ये 3। 2.5 साल तक अगर आप हर दिन साधना करते हैं, अगर आप बस इस तरह आंख बंद कर लें, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि आज चंद्रमा की कौन सी कला है। हट का एक अर्थ, जैसा हमने पहले ही देखा, इसका अर्थ है जिद, शरीर को एक नया आकार देने के लिए, एक तरह से सारे सिस्टम को बुनियादी तरीके से दोबारा बनाने के लिए एक तरह की जिद यानी हट की जरूरत है। ये भगवान के लिए भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान ने संडे को छुट्टी ली थी। हाँ, शिव ने नहीं, पर आप में से ज्यादातर लोग जहां से आए हैं वहां भगवान ने संडे को छुट्टी ली थी, इसलिए वो हठ योगी नहीं है, वो हो ही नहीं सकते। हठ योगी में जिद होती है, उसका कोई संडे मंडे नहीं होता, वो हमेशा चालू रहता है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप एक व्यस्त हो चुके शरीर को फिर से नहीं बना सकते। शरीर को फिर से बनाने का मतलब है, पहली बार जब आपका शरीर बना तब ज्यादातर उस जानकारी से बना जो आपको माता पिता से मिली, वो मेमोरी जो उनके शरीर में बसी थी। जो पहले 2 थे वो 7 आते हैं और एक अधिक कॉम्प्लेक्स मेमोरी सिस्टम बनता है, और इसी तरह हर बच्चा पैदा होता है। तो शरीर का आकार, आपका पूरा सिस्टम जिस तरह से है, सब कुछ ज्यादातर इसी मेमोरी से आकार लेता है। अब अगर आप एक खास तरह से हैं, इसे करने के तरीके हैं। हम दरअसल ऐसे लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, अगर कोई इसे फंड करे तो हम दिखा सकते हैं। आप थोड़ा पीछे जाकर देखिए, मान लीजिए 5 पीढ़ी पहले मेरे परदादा परदादा बहुत ही महान इंसान थे। वो बहुत अक्लमंद, शारीरिक तौर पर मजबूत और बहुत काबिल थे। मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूँ। हम कुछ खास तरह का योग कर सकते हैं जिससे उस याद का ज्यादातर हिस्सा आपके तंत्र में जगाया जा सके। हो सकता है कि आपके पिता कमजोर थे, आप वैसा नहीं बनना चाहते, आप अपने परदादा जैसा बनना चाहते हैं। तो कुछ खास तरह के योग हैं जिससे हम उस मेमोरी को पहचान कर उससे सबसे ज्यादा सक्रिय कर सकते हैं। वो एकमात्र मेमोरी नहीं होगी, पर वो सबसे ज्यादा हावी हो जाएगी। तो योगिक सिस्टम ने इसे ऐसे देखा, या एक और तरीका है। आमतौर पर योगिक सिस्टम इसी का पालन करता है। जब सप्तऋषि आदि योगी के सामने बैठे तो उनकी एकमात्र आकांक्षा यही थी कि वो उनके जैसा बनना चाहते थे। उनकी अपने पिता या दादा में कोई रुचि नहीं थी। तो आदि योगी ने कहा, हम बाकी सारी यादों को मिटा देंगे और आप इस पर काम कीजिए। तो आज भी अगर कोई संन्यास लेता है तो सबसे पहला कदम यही होता है कि कुछ खास प्रक्रियाओं से वो अपनी जेनेटिक मेमोरी से एक दूरी बना लेते हैं जो कहीं और से आई है, क्योंकि ये छोटा सा अंतर भी सिस्टम में काफी लचीलापन ले आता है। पर अगर आप जेनेटिक मेमोरी को हटा लेते हैं, अगर आप सफलता के साथ खुद को जेनेटिक मेमोरी से अलग कर लेते हैं, तो आपको बहुत जागरूक होना होगा खुद को वैसा आकार देने के लिए जैसा आप चाहते हैं। आपके पास जरूरी साधना होनी चाहिए, वरना मेमोरी भी नहीं और जागरूकता भी नहीं तो ये बेकाबू हो जाएगा। लोग जल्दी मर सकते हैं, ऐसा भी संभव है। अगर कोई दूरी बना लेता है अपनी जेनेटिक मेमोरी से और सिस्टम को दोबारा बनाने के लिए जरूरी काम नहीं करता, तो उसका सिस्टम कुछ ही समय में ढह सकता है, क्योंकि जेनेटिक तत्वों में बसी याद ही शरीर को एक तरह के आकार में संभाले रखती है। क्यों किसी एक व्यक्ति का शरीर दूसरे की तुलना में कहीं ज्यादा संपूर्ण दिखता है? स्वाभाविक रूप से ऐसा उस जेनेटिक मेमोरी की वजह से होता है जो उनके पास है। तो हठ योग में कम से कम साधना के स्तर पर हम जेनेटिक मेमोरी से दूरी बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम अपने भीतर जो सबसे बेहतर है उसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। कई तरह के लोग हो सकते हैं। अगर आप अपनी पिछली 25 पीढ़ियों को देखें, अगर आप अपने फैमिली ट्री को देखें, अगर आप ठीक पिछली पीढ़ी को देखते हैं, तो आपका संबंध केवल 2 लोगों से है, आपकी माँ और पिता। लेकिन अगर आप थोड़ा आगे देखें तो कम से कम 150 लोग आपकी मेमोरी में अपना योगदान दे रहे हैं। अब
ये सभी लोग, हमें नहीं पता कि ये किस तरह के लोग हैं। हो सकता है कि कुछ बहुत मजबूत रहे हो, कुछ कमजोर, कुछ रोगी, कुछ सेहतमंद, कुछ बहुत केंद्रित और कुछ बिखरे हुए। इस ट्री में हर तरह के लोग हो सकते हैं। आप किससे ग्रहण करते हैं या इन सभी से सबसे अच्छी चीजें कैसे ग्रहण कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। हठ यानी ह यानी सूर्य और ठ यानी चंद्रमा। अपने माता पिता से सीधे ग्रहण करना। वास्तव में हमारे माता पिता हैं सूर्य और चंद्रमा और ग्रह ये तीन। ग्रह कोक है। सूर्य व चंद्र किसी रूप में गर्भाधारण करते हैं और ये हो रहा है। अगर सूर्य ना होता तो जीवन भी नहीं होता। अगर चंद्रमा ना होता तो जीवन वैसा नहीं होता जैसा ये अभी है, ये शायद किसी और तरह से होता। तो ये तीनों आयाम एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो हठ का एक पहलू है अपने वंश के प्रभाव को एक ओर रख देना। मेरे पिता, मेरे दादा, इन सभी को आप किनारे रख दीजिए, क्योंकि ये सारा वंश सूर्य और चंद्रमा से शुरू हुआ है। आप सीधे उन्हीं से ग्रहण करना चाहते हैं। हठ योग का यही अर्थ है। आप एक ऐसा संतुलन पैदा करते हैं कि ये बीच की कड़ियां खो जाती हैं और आप सीधे उससे ग्रहण करते हैं जैसा कि जीवन बनाया गया था। बीच में बहुत सारा भ्रष्टाचार हो चुका है सदियों की पीढ़ियों द्वारा। आप उसे मिटाकर सीधे अपने माता पिता से ग्रहण करना चाहते हैं। सूर्य को पिता की तरह और चंद्रमा को माँ की तरह देखा जाता है। जैसा कि हमने कई बार देखा है, हमारी माताओं के पास माँ बनने की योग्यता इसी वजह से आई है क्योंकि वो चंद्रमा के चक्रों के साथ तालमेल में थी, वरना वो इस योग्य नहीं होती कि हमारी माँ बन सके। वो सिर्फ उसी कारण बच्चे पैदा करने के काबिल बनी। तो अपने असली माता और पिता से सीधे संबंध बनाना, और इसके बीच योग में हम कहते हैं कि बीच में सब भ्रष्टाचार है, सब कुछ मिला हुआ है, जेनेटिक और दूसरी यादें, हर तरह की चीजें हुई। हो सकता है कुछ अच्छी हो, कुछ बुरी हो, हर तरह का मिक्सचर है, हमारा उस पर काबू नहीं। तो सीधे ह और ठ से ग्रहण करना, जो है सूर्य और चंद्रमा। The nature of Hatha Yoga is to gradually connect with the sun and the moon. तो हठ योग की प्रकृति ऐसी है कि हम धीरे धीरे सूर्य और चंद्रमा से जुड़ सकते हैं। आपको चेक करके देखना चाहिए, 2.5 साल तक अगर आप हर दिन साधना करते हैं, हर दिन 2.5 साल तक अगर आप साधना करते हैं, अगर आप बस इस तरह आंख बंद कर लें, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि आज चंद्रमा की कौन सी कला है, क्योंकि ये आपके सिस्टम में भी होता है। एक हठ योगी अगर अपनी आंखें बंद करे तो उसे चंद्रमा की कला पता होना चाहिए। सूर्य के दूसरे भी पहलू हैं जो जाने जा सकते हैं, जो ज्यादा जटिल हैं, पर कम से कम चंद्रमा की कलाएं तो अपने भीतर पता चलनी चाहिए। ये लोगों के अंदर बिल्कुल गायब हो चुका है। इसका मतलब अपने भौतिक रूप के मूल स्रोत के साथ जरा भी तालमेल नहीं बचा। अगर आप इस संसार में कुछ करना चाहते हैं तो भौतिकता महत्वपूर्ण है। अगर आप केवल आत्मज्ञान प्राप्त करके अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं तो ऐसा करने के दूसरे तरीके हैं। बस ऐसे हम आपको बाहर निकाल सकते हैं, पर आश्रम में ऐसा ना करें, ठीक है? सिर्फ आत्मज्ञान पाना हो तो ऐसा करने के कई तरीके हैं। आप आत्मज्ञान भी पाना चाहते हैं और एक शक्तिशाली जीवन भी जीना चाहते हैं, तब हठ एक अहम पहलू बन जाता है।